जनाब तो आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट सेविंग वाटर और वाटर बचाने वाले कौन है वाटर वॉरियर्स इस वक्त आप लोग हैं ठीक है तो समटाइम्स वी डू नॉट नीड अ सुपर हीरो जो आके हमें कोई बचाएगा वी कैन बी द सुपर हीरो सो यू आर द सुपर हीरो अच्छा पता है एक बार क्या हुआ दो बच्चों की कहानी है दोनों भाई थे एक बच्चा जो हीरो है स्टोरी का सुपर हीरो वो क्या करता था कि उसको इतना ख्याल होता था इस चीज का कि मैंने पानी जाया नहीं करना अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई वो टीथ ब्रश करते वक्त पानी जाया नहीं करता था हाथ धोते वक्त ख्याल रखता था नहाते वक्त नलका बंद कर देता था जिस वक्त शैम्पू लगाता था तो और वो अपने भाई से भी कहता था कि यार पानी जाया नहीं किया करो तो मैं बात समझ नहीं आती लेकिन न, 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 आप मेरी स्क्रीन पर नहीं लिखेंगे प्लीज दैट इज रॉन्ग ओके देखिए इस तरह से शैतान क्या करता है कि वो सारा गलत आइडियाज आपको देता है और फिर सारे बच्चों का टाइम जाया करवाता है तो डोंट डू दैट नेक्स्ट टाइम ऑलराइट ओके चलिए जी आगे हम चलते हैं फिर क्या हुआ कि वो बच्चा तो बहुत अच्छा था वो अपने भाई से भी कहता था कि नहीं करो ऐसे पानी जाए ना क्या करो अगर पानी नहीं हुआ किसी दिन फिर क्या करोगे लेकिन भाई को यार हर वक्त नलके में आ रहा है इतना क्या मसले की बात है तो भाई को समझ नहीं आ रही थी ये बात एक दिन उन लोगों को पता ही नहीं चला टैंकी जो थी ऊपर पानी वाली उसमें लीकेज हो गई और लीकेज हुई तो, तो क्या हुआ अः सारा पानी लीक होने लग गया सारा पानी लीक हो रहा था लीक हो रहा था सुबह जब बच्चे सो के उठे गुड मॉर्निंग मामी वालेकुम मामा चलो मैं जल्दी से जाके कुल्ली करके आऊं और जब गए पता है क्या था uh -oh, क्या हो गया पानी नहीं था तो ये हुआ कि अब जब एक बंदा हिफाजत नहीं करता सभी को नुकसान उठाना पड़ता है दोनों भाई सोच में पड़ गए कि अब क्या करें पानी तो है नहीं हाथ नहीं धो सकते कुल्ली नहीं कर सकते ई गंदे हाथों से खाना खाए अब लेकिन खाना पड़ा नाश्ता तो गंदे हाथ से गंदे मुंह से किया लेकिन फिर पता है क्या हुआ अब क्या करें अच्छा मुंह कैसे साफ करें तो भाई कहते यार मेरे पास एक वेट वाइप पड़ा हुआ है वो जाके मजे से मुंह साफ कर लेता है चलो जी ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पानी ना हो तो लेकिन गर्मी इतनी थी स्कूल में वाटर बॉटल कैसे भरूं ओ हो उनके पास तो पीने कोई पानी नहीं था आह यू कैन नॉट सी द स्क्रीन आई एम नॉट शेयरिंग एनी स्क्रीन एम जस्ट राइट हियर आप लोगों को मैं देख रही हूं अच्छा फिर क्या हुआ के जो अच्छा वाला बच्चा था जिसका नाम सादी था उसको ख्याल आया कि उसने बाहर एक बड़ा सा पॉट रखा हुआ था जिसमें वो बारिश का पानी कलेक्ट करता था तो जितनी देर में वो लोग लो बंदा अरेंज कर रहे थे जो वाटर टैंक को ठीक करेगा और उनके घर में पानी लेके आएगा उतनी देर में एटलीस्ट अलहमदुल्ला दे क्लीन वाटर अपने पीने के लिए और हाथ धोने के लिए तो टाटा ये हैप्पी स्टोरी चले, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि इससे अच्छा अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आपने सारे जरा अपने अपने दिमाग में सोचें कुछ ऐसा याद आ रहा है कि कोई किसी वक्त पानी कहीं आपने जाया होते देखा हो स्कूल का कोई नलका टपक रहा हो या घर में अः मे भी कोई फ्लश लीक होता हो या कोई ग्लास टूट गया हो कुछ याद आ रहा है कहाँ देखा है कब देखा है हमें बताएंगे प्लीज तीन बच्चे अः कौन से तीन बच्चे बताएंगे अब्रार बताएंगे अनाबिया और अब्रार आपने कहीं देखा है पानी ऐसे आया होते वालेकाम हाँ जी जवाब दीजिए जी मैंने एक दफा देखा था जब हम रात को सो रहे थे तो वो पानी खुला छोड़ गया था थोड़ा सा नल का खुला था ओहो हो अच्छा आपने तो ये देखा था ठीक है और कौन बच्चा कुछ हमें बताएगा हम्म हानिया आप बताएंगी किसी दिन का कोई वाक्य ऐसा याद आ रहा हो बेटे अनम्यूट करिए खुद को हेलो हेलो हानिया आई कैन नॉट हियर यू और से आपको बताना पड़ेगा हानिया की हमें आवाज नहीं आई है जी अनम्यूट करें बेटे हर कोई पहले खुद को मैम वो एक परसों न बैठा हुआ था तो ना वो बाहर एक नल का है ना वो नहीं खुद ही खोल खुण के फिर उसमें पानी गिरना शुरू हो गया तो मुझे आवाज आई थी तो मैंने फिर पापा को बताया था तो उन्होंने मुझे बताया कि वो उसका जो वॉल है वो ही खराब हो गया आप लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबल है आई एम सो प्राउड ऑफ यू माशा अच्छा मोहम्मद हसान कुछ बता रहे हैं जी बेटे आपकी कौन सी स्टोरी है पानी जब से आया हो रहा था क्या तो तो मैं रात को बाथरूम में मैं नहाने गया था को, कोई तो फिर वो पानी का कतरा कतरा गिर रहा था तो फिर मुझे आवाज आई मैं उठा तो मैंने बाथरूम का लॉक खोला तो फिर मैं गया तो फिर मैंने पानी को बंद किया आगा। 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 होते हैं जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी दिखाते हैं वेरी गुड अच्छा फातिमा के भाई से एक दफा कप टूट गया था ग्लास टूट गया और उससे सारा पानी गिर गया मरियम की बहन जो है छोटी वो छोटी है ना तो उनको समझ नहीं आती वो नलका ठीक से बंद नहीं करती है और खोल के चली जाती है तो पानी जया हो जाता है अः हिरा के स्कूल में एक टैप है जो कॉन्स्टेंटली लीक हो रहा है ओहो और मरियम ने ये बात बहुत ही सैड बताई है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में ऐसे करते हैं कि नलका बंद ही नहीं करते ये तो बड़ी गलत बात है आई रियली really कि आप लोग ऐसे नहीं करते है क्वेश्चन अच्छा, देखते हैं कि अच्छा ये तो पता चल गया लेकिन अब जब आप ये देखते हैं कितना हर्ट करती है ये चीज के हो पानी जाया हो रहा है तो आपने कभी कोई कोशिश की है ऐसी या कुछ प्लान किया हो या कोई ऐसा तरीका कि आप जिससे बाकी बच्चों को भी बताना चाहें अपनी टिप्स बताएं कि इस तरह मैं करता हूं ताकि पानी सेव करने की अपनी वाली कोशिश करता हूं हम्म ये कौन बताएगा ये तो मुझे बताएंगी मीना शाहिद अनम्यूट करें बेटे जी तो मैंने, मैं जिस तरह सेव करती हूं, वो ये होता है कि जब मैं वॉशरूम जाती हूँ तो मैं जब ब्रश कर रही होती हूँ तो टैप खुला रह जाता है तो मैं ये सोचती हूँ कि ज, जिस जगह पे या लाइक बलोचिस्तान में पानी की कमी होती है तो अगर वहाँ पे अगर मैंने ये टैप बंद कर दी और वहाँ पे कोई पानी भर रहा और वहाँ पे पानी ना आ रहा हो तो हो सकता है मेरे टैप बंद करने से वहाँ पे पानी आ जाए इस तरह से मैं सेव वाटर करती हूँ वेरी गुड सारा कह रही है कि आई ऑलवेज ट्राई टू टर्न ऑफ द टैप ताकि पानी जाया नहीं हो अच्छा यहाँ पे कौन बचा है नूर फातिमा शुजा आप बताइए प्लीज Mom, close the tap by brushing your teeth. Okay, that is a good one.

के जाता है तो मैं बंद कर देती हूँ ये होती है एक रिस्पॉन्सिबल बिग सिस्टर माशाल्लाह और वो खुद अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वेरी गुड महारोज कि ढेर सारा नलका नहीं खोलती थोड़ा सा नलका खोलती है जितना जरूरी है और साबुन लगाते वक्त आप पानी बंद भी कर सकते हैं वेरी गुड तो आप लोग ये ये स्मार्ट बच्चे हैं माशाल्लाह तो हमें ये पता चल गया कि ये हम सब मिलके पानी जाया होने से बचाएंगे आप लोगों को आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू क्लोज योर आईज एंड इमेजिन के एक बड़ा सा सहरा है बहुत तेज धूप है गर्मी से बुरा हाल है पसीना आ रहा है घबराहट हो रही है और उफ बैकपैक आपने एक लटकाया हुआ है अपने पीछे आप डेजर्ट सफारी में हैं, आप वॉक कर रहे हैं आप तीन दिन के ट्रिप के लिए वहां गए हुए हैं एंड ऑल यू हैव सॉरी टेन डेज के लिए एक्चुअली मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो दस दिन के लिए आप वहां मौजूद हैं तपती हुई धूप है ऑल यू वाटर राइट ठंडा पानी मैं अपने सर पे डाल लू अपने मुंह पे स्प्रे कर लू मैं पी लू एक घूंट पानी का तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों को खुद भी पता होगा ओके कम बैक ओपन योर आईज नाउ वी आर बैक फ्रॉम डेजर्ट कि कभी कभी हमें इवन स्कूल में भी या इवन रमजान में पता चला होगा कि कभी कितनी प्यास लग रही होती है बस उफ पानी दे दो मुझे खजूर के फौरन बाद पानी दे दो ऐसा हो रहा था आप लोगों के साथ हम्म hmm. एक बार पता क्या हुआ आई हैड अ सर्जरी और डॉक्टर ने मुझे कह दिया आप पानी नहीं पी सकती ट्वेंटी फोर आवर्स होने वाले थे एंड ऑल आई साइड पर हो बस मुझे पानी दे दो इतनी प्यास लग रही थी और पता है डॉक्टर ने कहा कि नहीं अभी आपकी सर्जरी होनी है आप पानी पी नहीं सकती तो एक छोटा सा स्पंज था गोल सी बॉल की तरह वो उसको डिप करती थी पानी में और मुझे कहती थी कि इसको मुंह में रख के हल्का हाँ सा जो दो तीन कतरे आ रहे हैं आप वो सिर्फ ले लें न यू इमेजिन कितनी सख्त मुझे प्यास लग रही थी दैट डे आई रियलाइज कि मुझे पानी जाया नहीं करना क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चले आइए अब हम आगे चलते हैं। अच्छा तो अब हम तरीके सोचेंगे सुनेंगे कि कैसे पानी को जाया होने से बचाना है। जब आप हाथ वॉश करते हैं कभी ऐसा होता है ना उफ इतना मम्मा गर्म पानी आ रहा है साइड में खोल के खड़े हो जाते हैं कभी कहते हैं उफ बहुत ठंडा है सर्दियों में कहते हैं उफ ठंडा पानी आ रहा है अभी ये जरा गर्म हो जाए फिर मैं वजू करूंगा करते हैं कभी ऐसे कि पानी खुला छोड़ देते हैं कभी शावर में ताकि आपकी पसंद का टेम्परेचर हो जाए तो ये नहीं करना अगर आपको ऐसा करना भी पड़े तो एक मग्घे में या बाल्टी में या लोटे में वो पानी आपने रखना है और उसको बाद में इस्तेमाल करना है पानी जाया नहीं होने देना इसी तरीके से जैसे भी यहाँ बच्ची ने बताया कि नलका खुला छोड़ना थोड़ा सा नलका खोलें ज्यादा नहीं खोलें साबुन लगाते वक्त बिल्कुल थोड़ा सा कर दें या बंद कर दें ठीक वजू करते वक्त ओ माय गुडनेस दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चे क्या करते हैं सारा बाथरूम गीला कर देते हैं तो हमने ऐसा नहीं किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इवन अगर आप एक नहर के पास भी हैं तो भी आपने पानी नहर में तो कोई पानी की कमी नहीं है ना बेटे तो वहां पे भी पानी जाया नहीं करना तो अभी हमें या अब तक ये हमारी पहली चीज है जो भी हम नोट करें सबसे पहले आप जब भी बाथरूम जाएंगे आपने कम नल का खोलना है अगर आपको पसंद का टेम्परेचर नहीं आ रहा तो उसको किसी और पानी में डालना है और बाद में फ्लश करने के बजाय वो वाला लोटा या मग्गा भर के पानी का डाल देना और वजू करते वक्त मैं अभी आपको एंड में बताऊंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना पानी इस्तेमाल करते थे वजू करते वक्त ठीक है हैंग इन देयर नेक्स्ट थिंग अच्छा वो जो पानी होगा वो आप यहाँ फ्लश में डाल सकते हैं अगली चीज क्या है शावर ओह oh, कितना मजा आता है नहाते चले जाओ नहाते चले जाओ, नहाते चले जाओ और कभी नहीं रुको है ना लेकिन उसमें बहुत पानी चला जाता है इतना पानी जाया हो जाता है अब हम तो यहाँ शावर लिए चले जाएं और किसी के लिए पीने के लिए भी नहीं हो पानी गलत है हम्म तो यूं कीजिए कि जब शावर लें हाँ वो तो शावर रेस पांच मिनट का अलार्म लगाएं और सुपर फास्ट स्पीड से शावर लें दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप एक बाल्टी में पानी डालिए एक मग्गा भर के खुद को गीला करें उसके बाद साबुन वगैरह लगाएं और फिर मग्गे दो भर के दो चार जितने लेकिन कोशिश करें कम से कम पानी में आप नहा लें, ठीक इसके ऊपर भी अभी रुकिए और हम आपको बताएंगे कि कैसे नबी वसल्लम कितने पानी में अः ले लेते थे तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करें फाइव मिनट टाइमर के साथ इंशाल्लाह ब्रशिंग टीथ बहुत सारे बच्चों ने बताया वेरी स्मार्ट जब ब्रश करते हैं उस वक्त नल का बंद कर देते हैं लेकिन जब कुलिया करते हैं नल ब्रश करने के बाद गुजुगुजुगुजुगुजु गुजु, गुजु करते रहते हैं और नल का सारा खुला होता है तो उस वक्त आपने क्या करना है टेक अ कपल ऑफ अपने साथ एक छोटा सा कप ले जाइए एक कप से ही आपकी तीनों दफा की दोनों तीनों दफा जब आप खुल्ली करते हैं वो हो जाएगा आपको जरूरत ही नहीं है कि आप इतना सारा नलका खोल के और सारा जाया करें है ना स्मार्ट तो नेक्स्ट टाइम जब बच्चे ब्रश कर रहे होंगे वो अपने साथ एक छोटा सा कप भी लेके जाएंगे अभी तक हमें दो तीन बातें पता चल गई हैं सारे बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं ये तो नहीं हो रहा है कि हम आगे दौड़ रहे हैं और पीछे छोड़ रहे हैं याद रहेगा ये मैं तो हम सब